हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके कुलेर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अपने इस पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी थी, उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला लिख लिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो किस तरीके से बनेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बिल्कुल छोटे से छोटा टॉपिक दिखा के मैं इसे फटाफट क्लियर कर दूंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको क्या हो जाए आसानी से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। देखो दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट एट द ओरिजिन ओ। यानी क्या कह रहा है कि हमारा कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या है, हमने मान लिया कि हमारा एक पॉइंट चार्ज क्यू है, वो हमारा कहाँ पे है, पॉइंट ओ पे है। हम साथ साथ डायग्राम भी इसका बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ओ है, ठीक है, ओ पॉइंट है, इस पे हमारा क्या है, एक चार्ज हमारा क्यू है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, एंड अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, यानी इस पॉइंट से जो हमने पॉइंट ओ ले रखा है, इससे आर डिस्टेंस पे हमारा कोई दूसरा पॉइंट होगा, वो हमारा पॉइंट क्या है, पी है, जो क्या है, इससे आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इमेजिन आर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट पी, यानी जो हमारा पॉइंट अभी हमने किससे ओ से आर डिस्टेंस पे है, इस पे हमारा एक कोई टेस्ट चार्ज होगा जिसका नाम हमारा क्या है, क्यू नॉट है, ठीक है। इस पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड क्या करना है, पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो आइए लिखते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आपको बताइए क्या है। अगर आपको कूलम्स लॉ के बारे में नहीं पता तो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, जो पार्ट फर्स्ट है, उसमें मैंने कूलम्स लॉ वगैरह, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह सब बता रखे हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या आप जब आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे भी शो हो जाएगा। तो देखो इस पे क्या लिखेंगे हम, द फोर्स ऑन क्यू नॉट इज, यानी क्यू नॉट पे। देखो अपना जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो बनाया था हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में मैंने आपको बताया था पॉइंट क्यू के कारण अगर क्यू नॉट पे कोई फोर्स काम करेगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्यू से क्यू नॉट की ओर होगी, ठीक है। तो यानी हमारा जो फोर्स काम करेगा वो कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। यानी जो हमारा एफ होगा, आपको मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ, एफ की जो डायरेक्शन होगी हमारा हमेशा इस तरफ होगी, ठीक है। जब हमारी एफ की डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर साइन हमें ये दिखा रहा है कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ है, ठीक है। यानी ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, यानी ये देखो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। यानी हम क्या कह सकते हैं, जिस तरफ हमारा एफ वेक्टर है फोर्स की डायरेक्शन होगी, उस तरफ हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसकी अगर हम यार अगर हम नहीं लिखते हैं साइड में फ्रॉम डायरेक्शन जो इसकी होगी कहाँ से, ओ से पी, ऐसे करके अगर हम नहीं लिखते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। तो अब देखो, द फोर्स ऑन क्यू नॉट इज, यानी जो क्यू नॉट पे हमारा फोर्स काम करेगा वो क्या होगा हमारा, एफ इज इक्वल टू, देखो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2/r² होता है। पर हमारा एक फर्स्ट चार्ज जो q1 की जगह q है और q2 की जगह क्या है, q0 है। तो हम यहाँ आसानी से वैल्यू रख लेंगे इसकी, ठीक है। आप चाहें तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, अगर नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप यहाँ डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी फ्रॉम ओ टू पी, या क्या दिखा सकते हैं, क्यू टू क्यू नॉट, ठीक है। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं डायरेक्शन इसकी कहां से आ जाएगी, फ्रॉम ओ टू पी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो आप यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, देखो पॉइंट पी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो आपको मैंने यहाँ दिखा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कहाँ है, पी से ए की ओर है, यानी डायरेक्शन हमारी क्या है, पी से ए की ओर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखना
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है, E इज इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ हम लिख लेंगे E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर आप वेक्टर लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं भी लगाएंगे तो भी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स हमारा यहाँ दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। E इज इक्वल टू हमारा क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से एफ की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, या लिख लीजिए चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू वहां रख देंगे, इस जगह पे रख देंगे, तो हमारा कुछ किस तरीके से बन के आ जाएगा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए फ्रॉम पी टू ए, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, पी टू ए की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ की जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, क्यू नॉट हमारा अपॉन में है। तो देखो ये क्यू नॉट हमारा दोनों क्यू नॉट, ये वाला क्यू नॉट से ना क्यू नॉट कट जाएगा क्यों, एक दूसरे के डिवाइड में है ये, ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कट गया है। तो E इज इक्वल टू हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या है, एक पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, इसे अच्छे से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला जो बन के आ रहा है, E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट O है उससे r डिस्टेंस है, जो हमारा पॉइंट P है इस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी हमारा क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फाइंड होके आ जाएगा। दोस्तों देखो सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको ये प्रूव करवा दिया है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे, इसी तरीके से आप एग्जाम्स में भी इसे सॉल्व करेंगे, आपको पूरे कंप्लीटली नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।